सो हाय गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो होने वाला नियॉन लाइक फोटो एडिटिंग। तो गाइस, इसमें जो मैं मतलब बैकग्राउंड पिन जिसका मैं यूज़ करने वाला हूँ, सभी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा, तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए गाइस, चलते हैं वीडियो की तरफ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले आप सभी को करना है क्या, पहले इस बैकग्राउंड का डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर लेना वीडियो को देखने के बाद जाके। फिर उसके बाद आप सभी को करना है कि अपने मॉडल को ले लेना है, ठीक है? तो गाइस, मैंने मॉडल का बैकग्राउंड पहले से इरेज कर रखा है, जिसको बैकग्राउंड इरेज करना नहीं आता डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वो वीडियो देख के आप बैकग्राउंड को इरेज करना सीख सकते हो। सो गाइस, उसके बाद आप सभी को मॉडल को कुछ इस टाइप से लगा लेना है, ठीक है? तो यहाँ पर लगा लेने के बाद आप सभी को क्या करना है, यहाँ पे इरेजर टूल में जाना है। इरेजर टूल में जाने के बाद जो हार्डनेस है उसको कम कर देना है, साइज़ को बढ़ा देना है, एंड नीचे से जो आपके मतलब कि पैर वगैरह शूज़ वगैरह इनको ऐसे पेंट कर देना है, ऐसे करके इरेज कर लेना है, ठीक है? तो जो कि लगेगा कि हमारे स्मोक के उस साइड है हमारा पैर, ठीक है? तो ऐसे डन करते हैं। एंड उसके बाद एड फोटो में जाके हमें एक स्मोक का पीएनजी लेना है, ठीक है? तो हमें स्मोक का पीएनजी, इसका हम ब्लेंडिंग मोड है, इसका स्क्रीन रख देते हैं, एंड ऐसे सिंपली इस तरीके से लगा देते हैं, ठीक है? तो इतना हो गया। एंड इसकी ओपेसिटी को हमें कम कर देना है, एंड ऐसे कर देते हैं डन। ओके गाइस, सो उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है हमें क्या करना है, एड फोटो में जाके एक ये वाला पीएनजी लेना है। मैंने इसको भी दे रखा आप सभी को, तो आप इसको भी ले लेना, ठीक है? तो इसको भी डाउनलोड कर लेना बाद में। तो इसको मैं सिंपली यहाँ पे अपने हैंड के पास लगाऊंगा। तो पहले इसको हम रोटेट में जाके इसको हम पहले इस साइड को ये सबसे लास्ट वाला ऑप्शन ले लेते हैं, और इसको यहाँ पे हम इस तरीके से फिक्स कर लेते हैं। ओके, सो इतना हो जाने के बाद क्या करना है, आपको यहाँ से डन कर देना है। एंड उसके बाद जो है आप सभी को लेना है एक चेन का पीएनजी है, जो मैंने आप सभी को दे रखा है, तो उसको ले लेना। तो उसको लेने के बाद आप सभी को सिंपली इस तरीके से साइज़ को बड़ा करके और इस तरीके से यहाँ पर लगाना है, ठीक है? मतलब कि जो आपके हैंड में जो अभी आपने ब्रेसलेट लगाया है, जो यानी कि मतलब कि उसको उसके पास आप सभी को इस वाली चेन को लगाना है, और उसको आपको ऐसे तरीके से डन कर देना है। ओके, सो उसके बाद जो आप सभी को दिख रहा होगा हमारे कपड़े के पीछे आपको एक लाइट सी आ रही है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, ये लाइट का पीएनजी लेना है। उसके बाद हम इसका ब्लेंडिंग मोड स्क्रीन कर देंगे, एंड उसके बाद जो है हम इसको यहाँ पे लगा देंगे। ओके, सो इसके बाद जो है एक इसको मतलब ओपेसिटी को मैं कम कर देते हैं थोड़ा सा। एंड उसके बाद जो है आप सभी को ऊपर आपके जो हेड के ऊपर जो लाइट का पीएनजी लाइट आ रही है उसमें से लाइक में से, उसके लिए भी आप सभी को एक ये पीएनजी लगा देना है यहाँ पे, जो कि रिफ्लेक्शन आपके सीधा हेयर के पास पड़ेगा। तो यहाँ तक हो चुका है काम। तो नेक्स्ट स्टेप जो आप सभी को करना है, यहाँ से जाना आपको टूल्स में एंड एडजस्ट में। एडजस्ट में जाने के बाद आपको ब्राइटनेस को बढ़ा देना है, और इरेजर टूल इन्वर्ट कर देना है, एंड ब्रशेज में जाके साइज़ को छोटा करके, और सिंपली आप सभी को इस तरीके से यहाँ पे अपने कपड़ों के ऊपर इस तरीके से पेंट करना है, ठीक है? तो एक यहाँ पे और एक आपको पैरों पे भी कर लेना है, ठीक है? एंड शर्ट में अगर कहीं अगर आपको लगे तो आप वहाँ पे भी कर सकते हो, बाकी आप मतलब इतना कर लेना। एंड उसके बाद के जो ओपेसिटी आपको कम रखनी है, एंड यहाँ से डन कर देना है। ओके, जो इतना काम हो चुका है, सो अब उसके बाद जो है नेक्स्ट स्टेप क्या करना है आप सभी को जाना है ऐसे दोबारा एडजस्ट में। एडजस्ट में जाने के बाद जो है आप सभी को इसमें जाना है, कॉन्ट्रास्ट को हल्का सा बढ़ा देना है, एंड उसका जो ह्यू को नहीं कहा आपको इसको ह्यू को वापस से वहीं कर देना है। सैचुरेशन को जाके इसको माइनस में रखना है, ठीक है? तो उसको सैचुरेशन माइनस में रख देना है, एंड यहाँ से आपको फोटो को सेव कर लेना है, ठीक है? तो फोटो को हम यहाँ से सेव कर लेते हैं, एंड जो कलर क्रिएशन है वो लाइट रूम ऐप के अंदर करेंगे हम। सो गाइज, हम लाइट रूम ऐप को ओपन करते हैं। एंड गाइज, जब तक लाइट रूम ऐप ओपन हो रहा है तब तक यार आप वीडियो को लाइक नहीं कर, आप सभी ने वीडियो को लाइक कर दो। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो यार, क्योंकि अगर आप सभी के लिए मैं आज दिन की दूसरी वीडियो डाल रहा हूँ, तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस भी कर लेना। सो बस इतना ही। एंड अगर अभी हमने वीडियो फोटो को ऐड कर लिया है, तो उसके बाद आप सभी को करना क्या है, ऐसा फोटो को आपको ले लेना है। एंड उसके बाद आप सभी को नीचे लाइट वाला ऑप्शन दिख रहा है, जो अभी फोटो लोडिंग ले रही है, तो यहाँ से आपको लाइट का ऑप्शन दिख रहा है, इसको ले लेना है। एंड इसको कॉन्ट्रास्ट को बढ़ा देना है, एंड इसको हाईलाइट्स को कम कर देना है, शेडो को आप सभी को इंक्रीज़ करना है, ठीक है? एंड जो वाइट है इसको भी इंक्रीज़, एंड ब्लैक है इसको कम कर देना है। एंड जाना नीचे वाले टूल में, जो वाइब्रेशन है इसको बढ़ा देना है, एंड जो ये टेम्परेचर है इसको हल्का सा माइनस की तरफ रखना है, एंड ये जो वाइब्रेशन है इसको कम करना है, ठीक है? एंड उसके बाद जाना मिक्स में, एंड ऑरेंज कलर की ह्यू को बढ़ा देना है, एंड येलो कलर है इसके ह्यू को भी माइनस की तरफ रखना है, एंड जो ब्लू कलर है इसके सैचुरेशन को माइनस कर देना है, एंड सेकंड ब्लू वाला इसको भी सैचुरेशन को माइनस करना है, ठीक है? एंड जो ये आपको ये दिख रहा है पर्पल वाला, इसको आपको माइनस की तरफ रखना है इसका ह्यू। ओके, सो उसके बाद जाना आप सभी को नीचे वाले टूल में, फोटो की जो क्लियरिटी आप सभी को उसको बढ़ा देनी है हल्की सी। एंड उसके बाद जो विग्नेट है आपको हल्का डालना है, क्योंकि यार फोटो में विग्नेट पहले से ही था, तो हम विग्नेट हल्का डालेंगे, एंड ग्रेन अमाउंट को बढ़ा देंगे। एंड नीचे वाले टूल में जाएंगे, फोटो की जो शार्पनेस है इसको भी बढ़ा देंगे, एंड जो इसमें जो नॉइज डायरेक्शन इसको भी बढ़ा देंगे, एंड कलर नॉइज डायरेक्शन को भी बढ़ा देंगे, ठीक है? तो हम वापस से एक बार ये और कलर में जाएंगे, एंड जो आपको थर्ड ये थ्री वाले ऑप्शन दिख रहे हैं इसमें जाना है, एंड ब्लू कलर के टोन में ले जाना है इसको, ठीक है? इसको ब्लू टोन में ले जाना है आप सभी को इस तरीके से, ठीक है? तीनों ऑप्शन है, जो तीनों को आपको ब्लू में ले जाना है, ठीक है? तो गाइस देखिए, आप सभी को यहाँ पे हमारी फोटो एडिट हो चुकी है गाइस, तो आप देख सकते हो बिफोर एंड आफ्टर। सो गाइस, आई होप कि आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। एंड अभी तक आप सब मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया, तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए गाइस, मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।